हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी माता हाउस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। जी हां, पावर ऑफ अटर्नी का क्या काम होता है, पावर ऑफ अटर्नी क्यों बनवाना चाहिए और इसके इससे क्या वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो पर। और चलिए दोस्तों, पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये होता है कि जो है, अगर आप जो है घर से बाहर हैं और बिजनेस के सिलसिले हमेशा जो है आप घर से बाहर रहते हैं या ऑफिस से बाहर रहते हैं, तो ऐसी टाइम में जो आप अपने करीबी व्यक्ति को, जिसे आप जो है दिल से जो है चाहते हैं, दिल से पसंद चाहते हैं, यानी कि जिसे विश्वास करते हैं, उसको जो है अपनी पावर उन्हें दे सकते हैं, यानी कि जो आपके ऑप्शन पे वो काम कर सके। जैसे कि अगर आप जो है कोई भी कंपनी खोल रखे हैं या फिर जो है कुछ भी प्रोजेक्ट है आपका, तो उस मामले में आपको जो है ये पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत काम करता है। जैसे कि जिसे हिंदी में बोलते हैं आम मुख्तियार। एक होता है आम मुख्तियार, दूसरी होता है खास मुख्तियार। दो प्रकार का यहाँ पर बनता है और दोनों जो है पावर ऑफ अटॉर्नी ही है। आम मुख्तियार में नॉर्मल तरीके से जो है काम होता है, जो छोटा मोटा होता है वो सारे काम होता है, और खास मुख्तियार का मतलब ये होता है कि पूरा एकदम खास ही होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो जमीन जायदाद को भी वो बेच सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, वो हो जाता है खास मुख्तियार। तो दोस्तों, ये इसमें बेनिफिट ये होता है आपको कि ये जो है पावर ऑफ अटर्नी बनाने से, आप अगर घर से बाहर, अपने एरिया से बाहर हैं, तो उस समय आपका काम रुकने वाला नहीं है, आपका कंपनी चलता रहेगा, आपकी प्रोजेक्ट चलता रहेगा, आप काम धाम आराम से सब चलेगा, क्योंकि साइन इन करने वाला ऑथराइज सिग्नेचर वो बंदा आप किसी को देते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे किसी और व्यक्ति को जो है साइन इन करने का परमिशन देते हैं, वो होता है पावर ऑफ अटर्नी। जैसे गवर्नमेंट में जो है, सरकारी ऑफिस में, सारी जगह में जो है पावर ऑफ अटर्नी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके ऑप्शन में गवर्नमेंट में वहाँ भी जाकर जो है वहाँ पे साइन इन कर सकता है। तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ अटर्नी। और ये पावर ऑफ अटर्नी को जो है, आप अगर जमीन वमीन को खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो जमीन खरीदी बिक्री करने के लिए अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं, तो उस जगह पे क्या होगा कि आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको ये पावर ऑफ अटर्नी बनवाना होता है। जी हाँ, रजिस्टर ऑफिस में पावर ऑफ अटर्नी बनाएंगे, बाकायदा वहाँ पे जो रजिस्टर होगा पावर ऑफ अटर्नी का, तो वो पेपर आपको हर जगह में बाद में काम आता रहेगा। क्योंकि बाद में जब ये बन जाता है, उसके बाद आप जो है कभी भी जो है जमीन, आप बाहर हैं, तो उस समय जो है जब कोई भी रजिस्ट्री कराना होगा, तो उस समय सेल हो सकता है, सेल होगा, डीलिंग सब कुछ होगा, आपसे डीलिंग होगा, लेकिन जो है पावर जो है वो के थ्रू से जो है आपका सब रजिस्ट्री हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिला हुआ है। वो जब भी रजिस्ट्री होगा, उस समय वो डॉक्यूमेंट जो भी लगता है रजिस्ट्री कराने में, जो जो डॉक्यूमेंट लगता है, उसके साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ पे अटैच करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनता कैसे? पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में ये बनता है। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर लेकर जो है आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा सकते हैं, यानी कि जो है 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लीजिए, उसके बाद जो है लिखवाना होगा कि किस लिए जो है आप दे रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, और उस नाम हम किसको दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें नाम सब कुछ रहता है, और किस काम के लिए दे रहे हैं वो सारी चीज़ें मेंशन करना रहता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है दो गवाह जरूरी होता है इसमें भी। जैसे रजिस्ट्री कराने के टाइम में दो गवाह की जरूरत होता है, ऐसे जो है ये पावर ऑफ अटॉर्नी देने में भी दो गवाह की बहुत जरूरी होता है, सख्त जरूरी होता है। तो ये दो गवाह भी वहाँ पे जो है साइन करेंगे, और जो है जी आप जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं उनका भी साइन रहेगा और आपका भी साइन रहेगा, इस तरीके से करके वहाँ पे होता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी का जो है रजिस्टर करा सकते हैं। और दोस्तों एक जो है आम मुख्तियार जो होता है, ये एक नॉर्मल तरीके से भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनता है। इसमें क्या होगा कि आपका 100 रुपये के स्टाम्प में जो है आप लिखवा लेते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी का, और किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं वो सारी चीज लिखा हुआ रहेगा। और जो है उसमें आपको क्या करना रहेगा कि सिर्फ जो है उसे उस जब बनाने के बाद, जब आपका पावर अटर्नी जो है लिखा जाता है, उसके बाद उसको नोटरी कराना रहता है। जी हाँ, कोर्ट की वकील लोग होते हैं, वो वकील लोग जो है नोटरी करने वाले होते हैं, उन लोग बाकायदा नोटरी करेंगे, अटेस्टेड करेंगे, और तो वो जो है आपका बन जाता है पक्का। तो वो जो है कभी भी जो है कुछ वाद विवाद हो जाता है, तो वहाँ पे आपका जो है सारा काम
उसको निपटा सकता है। जैसे कि आपका कोई केसेस भी है, तो उस जगह पे अगर आपको वो किसी प्रोजेक्ट आपके पास है, कोई प्रोजेक्ट खोल रखे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के मामले में अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हैं, तो उस जगह पे जो है, जैसे कोर्ट वोर्ट में कोई क्लेम कर दिया है, तो उस जगह पे जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी आप दिए हुए रहेंगे, वो व्यक्ति भी जाके वहाँ पर खड़ा होकर जो है बाकायदा आपका केस को जो है लड़ सकता है, और वहाँ पे जो है आपका टाइम भी बचत हो सकता है, और ये लड़ सकता है, काम कर सकता है, आपका काम जो है वहाँ पर हो जाएगा, आप वहाँ पे मौजूद नहीं रहेंगे फिर भी जो है आपका काम हो जाएगा। दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा ये होता है कि अगर आप जो है घर से बाहर हैं, दूसरी एरिया में कहीं और जगह हैं, और मान लीजिए कि आपका कोर्ट में जो पेशी है, कोर्ट में पेशी है और आप वहाँ से नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसे मामले में आपका ये काम करेगा कि जो जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दिए हैं, वो व्यक्ति ही जाके वहाँ पर जो है खड़ा होके, यानी कि कोर्ट में वहाँ पे हाजिर होके आपका जो है काम वहाँ से निपटा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का काम होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी का वैल्यू इस तरीके से होता है। और ये चीज़ें जो 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 लोग जो लोग कंपनी बनाते हैं, यानी कि जो लोग कंपनी खोल के रखते हैं, कोई प्रोजेक्ट रहता है बड़ा काम, जिनके पास बड़ा काम रहता है, उन लोग अक्सर जो है ये पावर ऑफ अटॉर्नी या जो आम मुख्तियार या खास मुख्तियार ऑलरेडी किसी ना किसी को दिए हुए रहते हैं। देने से उन लोग को काफी फायदा मिलता है, टाइम की बचत होता है, सारा चीजें, और आपका काम रुकता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद और विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर जो है एक लाइक, शेयर और कमेंट, और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।